नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन, कैसे है सभी? ओके, घर पे रहना है और सेफ रहना है। ओके, तो थोड़े दिन के बाद क्या है, मैंने उसके बारे में भी बात की थी, राइट? आप लोगों ने, हमने नाटाल के बारे में बात की थी, राइट, कि हमारा क्रिसमस का दिन आने वाला है। ओके, तो बाहर निकलेंगे हम लोग तो सेफली सैनिटाइज करेंगे, बार बार हमारे हाथ साबुन से वॉश करेंगे और हम लोग मास्क तो जरूर पहनेंगे, क्योंकि मास्क पहनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, राइट। नाउ आज हम लोग, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को ल व्यंजन करवाया था, राइट? व्यंजन हमने ल किया था, आज हम लोग व्यंजन व करेंगे। कौन सा व्यंजन करेंगे? व्यंजन व। तो व करेंगे तो व से पहले कौन कौन से शब्द होते हैं वो देखेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि लास्ट सेशन में हमने हमारे स्वर देखे थे एक बार, राइट? तो स्वर तो देखिए, तो आज हम लोग थोड़े से व्यंजन भी देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन में आज तो हम क से त तक देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क से त तक, राइट? आज हम लोग क से त तक के व्यंजन का एक वीडियो देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे के व्यंजन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग व से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, राइट? व से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं वो देखते हैं। व से वन, तो वन यानी कि जंगल होता है ना, उसको कहते हैं वन। वहां पर बहुत पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं। व से वन, व से वर्षा, वर्षा यानी कि बारिश। व से वन, व से वर्षा और व से वधु, वधु यानी कि बहू, किसी की बहू होती है उसको कहते हैं, नई नई नवेली दुल्हन होती है उसको कहते हैं वधु। व से वन, व से वर्षा और व से वधु। तो व के स्टेप करेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग हमारा व्यंजन का एक वीडियो देखेंगे, राइट? पीपीटी जो मैंने आप लोगों को उसमें क से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ख से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, वो हम लोग अभी त तक करेंगे, राइट? क्योंकि बहुत बड़े हमने बहुत सारे व्यंजन कर रही है। ओके, हमने बहुत सारे व्यंजन कर लिए हैं, तो वो बहुत ज्यादा कुछ ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट कर दिए। हम लोग क से त तक करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे के करेंगे। ओके, तो क से त तक है, उसमें हमें क्या करना है कि हम लोगों को देखना है कि कौन से शब्द शुरू होते हैं, किस व्यंजन से कौन से शब्द शुरू होते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लोग हमारा ये व्यंजन का वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद हम हमारे व के स्टेप करेंगे कि व कैसे लिखते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले फटाफट हम लोग वीडियो देखते हैं। तो हिंदी स्टैंडर्ड फर्स्ट, अब हम हमारे व्यंजन करेंगे, राइट? हमने एक बार स्वर ऑलरेडी देख लिए है, अब हम लोग व्यंजन करेंगे। आज हम लोग व करेंगे, हमारा व्यंजन व, बट हम लोग थोड़े से व्यंजन हमारे जो आगे हमने कर लिए है उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, राइट? आज हम लोग त तक रिवीजन करेंगे, क से लेके त से तलवार तक, राइट? तो सबसे पहले है क। तो क से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत से शब्द देख लिए है और ये एक्स्ट्रा शब्द है, जैसे कि क से कलश, क से कछुआ, क से कद्दू, क से कमल, क से कटहल, क से करेला, क से कबूतर और क से कलम, राइट? करेला, कद्दू, ये सब सब्जी है। क से कलश, राइट? हम हमारे घर में जब हम नया घर लेते हैं तो वहां पर कलश पूजा करते हैं ना, वही डन। और कमल का फूल, राइट? कटहल, वो भी एक सब्जी है। तो क से कलश, कछुआ, कद्दू, कटहल, कमल, करेला, कबूतर और कलम। और क से शब्द देखते हैं, क से कमंडल। कमंडल यानी कि कोई साधु संत होते हैं, वो ऐसा अपने पानी में रख, अपने हाथ में रखते हैं ना पानी का लोटा, राइट? तो उसको कहते हैं कमंडल। क्या कहते हैं? कमंडल। क से करताल, जब हम लोग सत्संग करते हैं तो उसमें करताल बजाते हैं ना, ओके, जिसके अंदर खंजरी टाइप होता है, तो क से करताल। क
क से कमंडल, करताल, कली। कली जब कोई फूल खिलता है उससे पहले क्या खिलता है? कली। क से कमरख, कमरख एक फ्रूट है, राइट। क से कमरख, क से कटोरी, कटोरी में हम दूध पीते हैं, राइट। क से कनखजूरा, कनखजूरा उसके बहुत से पेड़ होते हैं ना। कमंडल, करताल, कली, कमरख, कनखजूरा, कटोरी, तो बहुत सारे क से शब्द देख लिए हमने। ओके, नाउ क के बाद क्या आता है? ख, राइट। ख से खरगोश, ख से खजूर, ख से खटमल, ख से खरबूजा, ख से खटिया, ख से खड़ाऊ। खड़ाऊ यानी कि पैरों में पहनने की जो ये होती है लकड़ी की, उसको कहते हैं खड़ाऊ, राइट। खरगोश, खटमल, खरबूजा, खजूर, खटिया, खड़ाऊ। और ख के बाद क्या आता है? ग, क्या आता है? ग, ग से गहना, गहना यानी कि ज्वेलरी, हम लोग जो हमारे पहनते हैं हमारे हाथ में, कान में, नाक में, गले में, गहना। गड्ढा, ग से गड्ढा, ग से गणेश, गणपति जी। ग से गद्दा, ग से गन्ना, और ग से गठरी, कोई हम पोटली बांधते ना उसको कहते हैं गठरी। ग से गहना, गणेश, गठरी, गन्ना, गधा, गठा। और ग से और शब्द देखते हैं। ग से गडरिया, गडरिया यानी कि क्या? तो गडरिया यानी कि जो बकरी, जो सीप वो सब होते हैं उन लोगों को चराने के लिए ले जाते हैं ना, जो उसको घास खाने के लिए ले जाते हैं उसको कहते हैं गडरिया। ग से गडरिया, ग से गरुड़, गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है। ग से गरुड़, ग से गमला, ग से गत्ता, गत्ता यानी कि क्या? कोई भी एक हार्ड पेपर होता है ना, जैसे कि आप लोगों का कार्डबोर्ड होता है, राइट। कोई पेपर होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, राइट। लाइक जैसे कि हम लोग गुजराती में इसको कहते हैं पुट्ठू, राइट। जो झाड़ू कवर हो यानी कहवाई गत्ता। और ग से गदा, गडरिया, गरुड़, गमला, गत्ता और गदा, राइट। फिर उसके बाद क्या है? घ, क्या आता है? घ, घ से घड़ियाल। तो आप कहेंगे कि घड़ियाल तो हम दीवार में लगाते हैं, उसमें हम लोग टाइम देखते हैं, तो ये कौन सी घड़ियाल? तो ये वन टाइप ऑफ हमारा क्रोकोडाइल होता है ना, मगर, राइट। उसी के जैसे होती है, मगर होता है ना, मगर की और इसके, इसमें ये दोनों थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं, पर ये जो घड़ियाल होती है उसकी जो आगे का मुंह होता है वो थोड़ा लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा। घ से घड़ियाल, घड़ा, घर, घड़ी। घ से घड़ियाल, घड़ा, घर, घड़ी। और फिर उसके बाद क्या आता है? च, च से चकला, चकला यानी कि पाटली, अपने जेना पर रोटली वणीए छे, राइट। चकला बेलन, उसको क्या कहते हैं? चकला बेलन। च से चकला, च से चटाई, च से चरखा, च से चम्मच, च से चमेली, च से चप्पल, चमेली के फूल आते हैं, राइट। चकला, चटाई, चरखा, चम्मच, चमेली, चप्पल। और च से शब्द देखते हैं। चमगादड़, चमगादड़ कब निकलता है? रात को, राइट। चमगादड़, चट्टान, चप्पू, चक्र, चकोर, चना, चढ़ना। देखो च से कितने सारे शब्द है। चट्टान, चप्पू, चप्पू यानी कि क्या? छुरी काटा नहीं, बट हम लोग जब हम कोई नाव में जाते हैं तो नाव चलाने के लिए जो लंबी लकड़ी होती है उसको कहते हैं चप्पू। और चकोर एक पक्षी का नाम है। और चना जो हम अभी खाते हैं, हरे हरे चने, राइट। चना और चढ़ना, जब हम चट्टान चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं चढ़ना। जैसे बहुत सारे शब्द देखे हमने। चक्र, ये चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राइट। हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में भी होता है ना, हमारा जो फ्लैग है उसमें भी ऐसा चक्र होता है, राइट। तो फिर चक के बाद क्या आता है? छ, छ से छतरी, छ से छप्पर,
छ से छड़ी, छ से छत, छ से छत्ता, छ से छलनी, छ से छल्ला। तो देखो छतरी पता है, छत्ता भी पता है, मधुमक्खियों जिसमें रहती है वो छत्ता, छत हमारे घर के ऊपर की जो छत होती है वो, और छप्पर यानी कि वो भी हमारे घर के ऊपर का जो छप्परा होता है वो, और छलनी जिसमें हम लोग हम छाल चालते हैं वो, राइट, छालना। फिर छल्ला, छल्ला यानी कि कोई भी एक अंगूठी, क्या होगा, अंगूठी, राइट, छल्ला यानी कि कोई भी एक कड़ा या अंगूठी। फिर छ के बाद क्या आता है, ज, ज से जड़, जहाज, जल, जगमग, जलपरी और जग, राइट, ज से जड़, जहाज, जल, जगमग, जब तारे जगमग करते हैं, फिर कोई रोशनी जगमग आती है, और जलपरी जो पानी में रहती है, और ज से जग, और जल को क्या कहते हैं, पानी यानी जल। फिर ज के बाद क्या आता है, ज, झरना, ज से झरना, ज से झरोखा, झरोखा यानी कि विंडो, हमारी खिड़की, हमारी बारी, हमारी खिड़की, ज से झरोखा। ज से जमजम, पानी बरसने की आवाज आती है ना, जमजम जमजम, ज से जमजम। और ज से झगड़ा, झगड़ा करते हैं ना हम लोग, राइट, नहीं करते, ओके, नहीं करते, ज से झरना, झरोखा, जमजम, झगड़ा। फिर ज के बाद क्या आता है, ट, ट से टपकना, पानी जब टप टप करता है ना, टपकता है ना, ट से टपकना। ट से टमटम, टमटम यानी कि घोड़ा गाड़ी, और ट से टट्टू, टट्टू यानी कि छोटा सा घोड़ा, पोनी का कार्टून आता है ना। फिर ट से टब, पानी भरने का टब। ट से टखना, टखना यानी देखो मैं दिया इसमें दिखाया, एडी के नीचे जो पार्ट्स होता है उसको कहते हैं टखना, राइट। फिर ट से टमाटर, टपकना, टमटम, टट्टू, टब, टखना और टमाटर। फिर उसके बाद ठ, ठहाका, ठहाका यानी कि खूब जोर से हंसना। फिर ठग, ठग यानी कि चोर, और ठ से ठप्पा, ठप्पा यानी कि स्टैम्प, वो तो हमने देखा है, और ठ से ठठेरा, वो भी हमें पता है, बर्तन को ठीक करता है। ठहाका यानी जोर से हंसना, ठग यानी कि चोर, और ठप्पा यानी कि स्टैम्प, और ठठेरा यानी कि बर्तन जो ठीक करता है, बनाता है वो, राइट। ठ के बाद क्या आता है, ड, ड से डमरू, ड से डलिया, डलिया यानी कि बास्केट, वो तो हमने देख लिया है। ड से ड्रम, ड्रम आते हैं ना, ऑयल कैन आते हैं, ड से ड्रम, एक ड्रम वो भी कहलाता है, और एक ड्रम जो हम बजाते हैं उसको भी ड्रम कहते हैं। फिर ड से डब्बा, रेलगाड़ी का डब्बा होता है ना, उसको ड से डब्बा, राइट। फिर ड के बाद क्या आता है, ढ, तो ढ से ढफली, ढफ, तो आप कहेंगे कि तो हमने तो ढ से ढफली सीखा है, ढ से ढफली नहीं होता है, राइट, तो कई बार ढ से ढफली भी लिखते हैं, राइट, ढफली, ढ से ढक्कन, देखो तीनों चीजों के ढक्कन है ना, ढ से ढफ और ढ से ढक्कन, राइट। फिर उसके बाद त, त से ट, ठ, ड, ढ और अण, अण से कोई शब्द नहीं बनता, शुरुआत अण से नहीं होती, अण लास्ट में होता है, राइट। फिर है त, त से तवा, जिस पर हम लोग डोसा बनाते हैं, राइट, त से तवा। त से तकली, तकली यानी कि क्या पता है, तकली यानी कि एक सूत कातने का, सूत को ज्वाइंट करने का एक साधन है जिसमें सूत कलेक्ट किया जाता है, तकली। तबला, तख्ती, तख्ती यानी कि हमारी स्लेट, हमारी जो पाटी होती है वो। और फिर ततैया, ततैया एक तितली का नाम है, राइट, एक इंसेक्ट है। फिर है तरबूजा, तरबूजना नहीं पर तरबूज, राइट, दवा, तख्ती, तकली, तबला, ततैया और तरबूज। तो ये थे हमने त तक हमने आज देखा, और भी है त से, हाँ, तकिया, तराजू, तराजू यानी कि हम लोग झोंकते हैं ना, हम जो सब्जी लेने जाते हैं तो तराजू में हमें सब्जी झोंक के देते हैं। फिर है तपस्वी, फिर है तलवार, फिर है तरकस, राइट, तपस्वी यानी कि साधु संत, राइट। तो ये थे त से शब्द। नाउ थैंक यू, हमने आज त तक देखे हैं शब्द, नेक्स्ट सेशन में हम लोग त के आगे के व्यंजन देखेंगे।
ओके, तो अभी हमने कितने व्यंजन किए, क से लेके त तक, ओके राइट। तो चलो अभी हम लोग व की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो अभी हम लोग व के स्टेप करें, एकदम इजी है, व सबसे इजी वर्ड है, राइट। देखो सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा राउंड करना है हमें, क्या करना है, एक छोटा सा राउंड जैसा, राइट, छोटा सा राउंड। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस लाइन से हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन से हमें स्टार्ट करना है। एक ऐसी लाइन है तो यहाँ से हमें स्टार्ट करके यहाँ तक, क्या करना है, एक ऐसी लाइन है यहाँ से हमें स्टार्ट करके यहाँ तक, राइट। एक छोटा सा हम लोगों को क्या करना है, एक सर्कल, राइट, फिर उसी सर्कल को हमें स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, ओके। तो एकदम व हो जाएगा, सबसे इजी वर्ड है हमारा व, राइट, वर्ण का व। राउंड करेंगे और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे तो हो गया व, सबसे इजी हमारा वर्ण। वर्ण में भी सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, व, राइट। ऐसा राउंड करेंगे और स्टैंडिंग लाइन, राउंड करेंगे स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके बीच में राउंड होना चाहिए, राइट। ऐसे करके यहाँ ऊपर करना नहीं है, ऐसे करके यहाँ नीचे नहीं करना है, ये रॉन्ग है, राइट, ऐसे नहीं करना है हमें। हमें कैसे करना है कि एक राउंड करके स्टैंडिंग लाइन करनी है, और वो ये जो राउंड है वो कहाँ पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, बीच में, राइट। राउंड करेंगे वो स्टैंडिंग लाइन, राउंड करेंगे स्टैंडिंग लाइन, राउंड करेंगे स्टैंडिंग लाइन, राउंड एंड स्टैंडिंग, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन से हम उसको क्या बना देंगे, हमारा हिंदी व्यंजन, राइट, राउंड एंड स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। तो हो गया हमारा व। व से हमने कौन कौन से शब्द देखे थे, व से हमने वन, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसे, डन। व से वन, व से वसे वधु, और वसे वर्षा, वसे वन, वसे वधु, वसे वर्षा, राइट। तो व कैसा है, एकदम इजी, कैसे करना है हमें, राउंड करके स्टैंडिंग लाइन, तो बन गया हमारा व। उसके आगे हमने क्या किया था लास्ट वाले सेशन में, ल, क्या किया था, ल, और उसके बाद हमने किया व, और उसके आगे हमने क्या किया था, र, क्या किया था हमने, र, र, ल, व, और उसके भी आगे हमने क्या किया था, य, य, र, ल, व, डन। ये लाइन में याद होने जरूरी है, तो ही हम याद रखते हैं कि सबसे पहले देखो लास्ट फोर को करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हमने य, फिर र, फिर ल, और आज हमने किया व, ये हमें लाइन में भी याद होने चाहिए, डन। अगर हमें लाइन में याद नहीं होगा तो हमें अगर पूछेंगे कि चलो इसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा, इसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा, तो वो हमें पता चलेगा नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बार बार आप लोग को रिवाइज करवाती हूँ कि हमने क्या क्या कौन कौन से व्यंजन किए, किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। व और व के बाद, व के पहले हमने ल, फिर उसके पहले र, य, लाइन में हमें क से लेके व तक आज हमने व किया, राइट, और आज हमने व्यंजन भी देखे क से त तक, राइट, तो वो भी हमने लाइन में याद रखने की, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, तो वो हमें आना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई ऐसी ब्लैंक्स दे दे कि चलो तो इसके बाद क्या आएगा, म के बाद क्या आता है, प, जो अब पहले से अगर हम नहीं बोल सकते तो हम आगे से बोल सकते, प, फ, ब, भ, म, य, र, राइट, फिर चलो ग के बाद क्या आएगा, क, ख, ग, घ, च, घ, च, फिर
अगर ऐसा दे दे कि चलो टक टक के बाद क्या आएगा तो टक ठ ड ट ठ ड कोई भी व्यंजन दे दे और उसके बाद या उससे पहले कोई भी हमें वर्ण दिया जाए तो वो हमें आना चाहिए राइट तो ही वो हमने सही व्यंजन किए है राइट तो ही हमें हम समझेंगे कि हमें सही तरीके से वो याद है कि क के बाद ख के बाद ग के बाद घ राइट तो खास वो याद रखना है ओके तो आज हमने क्या किया व व्यंजन व्यंजन व हमारा व्यंजन व डन राउंड करना है और उसको स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से व कर देना है ओके तो हमारा पेज नंबर 54 देखो हमारा पेज नंबर 54 निकालो तो पेज नंबर 54 में क्या है वो देखते हैं हम लोग तो उसमें देखो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें चित्र दिए हैं वन के वर्षा के वधु के और ट्रेसिंग दिया है तो हमें ट्रेसिंग करना है व का और क्या करना है सी डब्ल्यू में व लिखना है ओके पूरी सी डब्ल्यू में एक पूरा पेज हमें व का लिखना है और उसके बाद क्या है पेज नंबर 54 पर चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखो चित्र दिए हैं और उसी चित्र के हमें पहले पहले अक्षर लिखने हैं तो सबसे पहले तो चित्र कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले चित्र किसका है वकील का है देखो काले कोट में होता है ना वकील एक वकील का है फिर एक वन का है जंगल का है जंगल यानी कि उसको कहते हैं वन फिर एक वधु का है नई नवेली दुल्हन का है और फिर किसका पिक्चर है एक बगुला बगुला को क्या कहते हैं पता है वक भी कहते हैं क्या कहते हैं वक व ओके सॉरी वक क्या कहते हैं वक वक यानी कि एक बगुला राइट तो याद रखना है सबसे पहले तो क्या कि वकील तो व लिखना है सभी में देखो व ही है सभी व से शुरू होने वाले शब्द है वकील वन वधु और वक वकील वन वधु और वक तो राइट तो ये क्या था कि व से शुरू होने वाले शब्द व से वकील व से वन व से वधु और व से वक वक यानी कि बगुला बगला राइट देखो तो ये व की एक्सरसाइज थी कि सिर्फ हमें चित्र को देखना है और उसका पहला पहला अक्षर लिखना है ओके नाउ अभी हमने इस सेशन में हमने क से त तक के व्यंजन भी कर लिए हैं और हमने व भी कर लिया है व के स्टेप भी हमने देख लिए हैं ओके कि व कैसे करना है एकदम इजी है उसके आगे से आगे के सेशन में हम लोगों ने ल सीखा था खासकर लाइन में हमें याद करना है रोज एक बार क से लेके जितने तक हमने व्यंजन किए वो एक बार लिख लेने चाहिए ओके नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे का वर्ण करेंगे और आगे की वर्ण के रिवीजन भी करेंगे हम लोग ओके तो तब तक के लिए बाय।